Alright, so here I am back with another vlog. In this vlog, I am going to explore something new today, which is gonna be a cinema hall of Ukraine. Let's see, India के compare में यहाँ के cinema hall कैसे दिखते हैं, क्या खास बात है, कैसी screen है, कैसे seat arrangements हैं, क्या cost पड़ता है. Let's find out. टिकट बुक कर सकते हैं, आप कैश में पेमेंट भी कर सकते हैं और कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं. और यहाँ पर आप इजीली सीट सिलेक्शन कर सकते हैं जैसे हमारे इंडिया में होता है. डिटो यहाँ पे वैसे ही है, सेम टू सेम. ये है टिकट और ये है हॉल. हियर यू हैव टू शी इज आस्किंग कि आप वैक्सीनेटेड हो या नहीं हो. अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो आप यहाँ सर्टिफिकेट दिखाओ. शी इज गोइंग टू अलाउ यू टू एंटर. दिस इज हाउ शी इज सिटिंग. थैंक यू. वुड यू लाइक टू से जस्ट हाय? हेलो. थैंक यू. ये है थिएटर और ये है सीटिंग. इट इज टाइम. तो काफी इंटरेस्टिंग मूवी थी इटर्नल्स. देखो मूवी तो ठीक थी लेकिन लास्ट का फर्स्ट रेटिंग बस एक काफी अच्छा था. पटेल और एंजेलिना. सर एक और चीज मैं पूछना था कि यहाँ के थिएटर में और इंडिया के थिएटर में क्या डिफरेंस था? और लोग जो थोड़े यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड है, थोड़ा ढंग से बिहेव करते, चिल्ला जैसे इंडियन, ऐसे मज़ा आता है. इंडियन मॉल में जो गल्ला चिल्ला होता है, शॉपिंग वगैरह होता है, ऐसा कुछ नहीं. सब काम भी पूरी देखेंगे उतने कम है. तो सर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इंडियन थिएटर में और यहाँ के थिएटर में? देखो कैसा लगा यहाँ का थिएटर, इंडिया और इंडिया या फिर यूक्रेन? इंडिया में मूवी देखना ज़्यादा अच्छा लगता है. और क्या बस, तब मिले मिल में देख सकते हो, समझ अच्छी आती है. बाकी यहाँ की ओके ओके है. जैसे आप मेरे सब टाइटल रशिया में थे, वो काफ़ी हेडेक दे रहे थे. इंडिया में बटे थोड़ा समझ सकते जो समझ नहीं. टिकट कितने का था? 100 यूनो टिकट है, मतलब इंडियन करेंसी में 300 रुपये. अगली ब्लॉक में हम आइस स्केटिंग जा रहे हैं सब लोग. तो यहाँ पर खेलने के लिए, घूमने के लिए, देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. आप आएँ सर, हम भी मज़े लें और इन्जॉय करें. ये भी हमारे सुपरस्टार हैं. हाँ, बांग्लादेश के ही वालों. अच्छा, अब भैया कैसा लगा तुम्हें यूक्रेन का थिएटर? बहुत बढ़िया. इंडिया के थिएटर कंपेयर में तुम्हें कैसा लगा? अरे कहाँ इंडिया का, कहाँ यहाँ का. और क्या, और फील्स और म्यूजिक और अच्छा था यहाँ, सही था. तो गाइस वी हैव जस्ट फिनिश्ड वाचिंग इटर्नल. सो सखी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बेकार. थिएटर में कंपेयर करें अगर इंडिया के और यहाँ के, तो थोड़े बहुत अंतर जो मैं आपको बताता हूँ. तो देखिए, मैं तो एज यूजुअल आपका यूजुअल ब्लॉगर नहीं हूँ. हमारे 10 स्टेथोस्कोप यहाँ हैं. तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि थोड़े बहुत अंतर हैं. जैसे कि पहला, यहाँ आप बैग में कुछ भी स्मगल करके लेके जा सकते हैं, सिंपल. तो इस बार इफ यू वांट टू जस्ट कैरी योर स्नैक्स विथ यू, एक बड़ा स्नैक जैसे कुकीज़. सो और अगर आप स्नैक्स लेके जाना चाहते हैं तो बिल्कुल लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेक नहीं करता. और क्या, मूवी शुरू होने से पहले अपना स्नैक ले. हाँ, और मूवी शुरू होने से पहले यहाँ ऐड नहीं आते. तो यहाँ मुकेश को कोई खतरा नहीं है. आप कभी भी आइए, मूवी देखिए, आपका दिमाग बिल्कुल ख़राब नहीं होगा. और दूसरी चीज़, यहाँ ट्रेलर्स तो आते हैं, तो बॉलीवुड इंडिया की आपको बिल्कुल याद नहीं आएगी. दूसरी चीज़, आपको लायरा का इंडी देखना पड़ता है. लायरा आपको नहीं होगा कुछ भी यहाँ पे. और लेगिंग्स के ऐड नहीं आएंगे आपको.
और क्या हम बता सकते हैं? एक और चीज़ आप मिस करेंगे कि यहाँ यहाँ पे कोई सीटी नहीं मारता इंडिया में, अगर मार्वल का लोगो भी आता है तो लोग सीटी मारते हैं और चिल्लाते हैं और शोर कर जाते हैं। हम बस एंजेलिना जोली गई, हमने निकल लिए जैसे मूवी का आखिरी शॉट था। देखिए तो यहाँ यही होता है, बस आपके पास गाड़ी अच्छी हो चाहे ना हो, भौकाल आपका पूरा होना चाहिए। तो यही अंतर है, एक दो चीज़ें हैं इंडिया और यूक्रेन में डिफरेंस। एक तो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आप शोर नहीं कर सकते, चिल्ला नहीं सकते, खाने का कुछ भी लेके जा सकते हैं, और बस सीट्स अच्छी हैं, साउंड अच्छा है, और हाँ स्क्रीन भी बहुत अच्छी है कि उसकी लेंथ बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत मुझे समझ आई, जो बाकी आप अपने ब्लॉगर स्टेथोस्कोप से जान सकते हैं। सो ये है ब्लॉकबस्टर और यहाँ के थिएटर भी हैं ब्लॉकबस्टर। That's all. See you in the next vlog.